छतरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आधा दर्जन भैंसों की हुई मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट लग जाने से आधा दर्जन भैंसों की मौत हो गई। युवा मोर्चा भाजपा बड़ा मरहरा मंडल अध्यक्ष शशिकांत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एडीएम को पत्र सौंपकर दी जानकारी। कहा, बिजली विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं की हाई टेंशन की लाइन बंद। जमीन पर पड़े हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई भैंसों की दर्दनाक मौत। तहसील के ग्राम बधावर निवासी हनुमंत सिंह की 2, गोपाल सिंह की 1 और 2 राम की 1 भैंस लाइन की चपेट में आ गई, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मेरा नाम है उत्तम सिंह, बुंदेला बंधौर। समस्या ये है कि तीन दिन पहले तार टूट गया था। उन लोगों को मैंने सूचना दी थी जाके बिजली कार्यालय जाके, उन लोगों ने मेरे से जा कहा था कि उसमें लाइट आइट कुछ नहीं है, पड़ा रहने दो तार। फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दिन भैंसें वहाँ पशु निकले हैं, 8 भैंसन की तत्काल में मौत हो गई। फिर भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि इसमें भैंसें मरवे लगी, लाइट काट दो। उन लोगों ने बोले कि बोले फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। आज भी फोन तार जहीं के तहीं पड़े रहे, वहीं ज़मीन में पड़े हैं। आज हाँ करंट, अब करंट पे जोड़ देंगे तो करंट तो आ ही जाएंगे। 8-10 गांव की सप्लाई है उस गांव उस लाइन से, और लाइन वह चालू करते हैं रात के, और तार काटते मिले हैं। आप क्या उन कहाँ, यहाँ छतरपुर में यहाँ जे दिया है कि साहब हन लो यहाँ लिख के दे दिया है अपन ने कि आगे कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो हम लोग फिर भी सड़क पे खड़े हो जाएंगे, फिर भी आगे भी देखेंगे। आज हमने कल ग्राम बनावर में बिजली के तार टूटने से कल 7 से 8 भैंसियाँ ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि जो बिजली का कल तार 11 KV का टूटा है, उसकी पूर्व में जो ग्राम पंचायत वाले हैं उन सभी ग्रामवासियों ने बिजली विभाग के OIC को और जो लाइनमैन हैं उन्हें फ़ोन से और व्यक्तिगत जाके भी सूचना दे दी थी। उसके बाद भी बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से कल जो बिजली का तार टूटा है उसकी वजह से 8-9 भैंसियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं, इनके ये जीवन यापन करने का जो रोज़गार था वो केवल भैंसियों के माध्यम से ही था, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं। और कलेक्टर साहब को हम लोगों ने एक आवेदन के रूप में कलेक्टर साहब को सूचित भी किया है कि इसका जल्द से जल्द इनकी उस पर उचित कार्रवाई करके जो भी हो सके हमारे किसान भाइयों का जो उचित मुआवजा हो सके और जो उनकी जो भी हम मदद कर सकते हैं उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें हम निश्चित रूप से बिजली विभाग के जो लाइनमैन हैं, इसमें ज्ञा प्रसाद पटेल का जो भाई लोग नाम भैया हमारे ग्रामवासी लोग नाम बता रहे हैं, उसमें ज्ञा प्रसाद पटेल जो लाइनमैन के रूप में वहाँ काम करते हैं, उन्हें पूर्व में ये लोग 3 दिन से लगातार सूचना दे रहे थे कि आपके जो तार है वो टूट चुका है और उसमें करंट का लगातार प्रवाह हो रहा है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने घोर लापरवाही दिखाई और उसमें उसे सीरियस नहीं लिया, इस वजह से जो वहाँ से भैंस गुजर रही थी वो उनके ऊपर वो तार गिरा और सभी भैंसियाँ ख़त्म हो चुकी। आपने प्रशासन को सूचित कर दिया, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई या मुआवजा नहीं मिला तो कहाँ तक आप लड़ाई लड़ेंगे? अगर इसमें एक आवेदन देने के बाद भी अगर हमारे प्रशासन के में जब कलेक्टर महोदय SDM महोदय कोई भी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें आने के बाद ऊपर भी जाएंगे और ऊपर यहाँ भी आके हम लोग एक जो कोरोना के उसमें जो भी नियमारूप कार्रवाई के लिए या हम लोग आवेदन वो प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। हाँ, हमने कलेक्टर महोदय से यही ज्ञापन में कहा है कि चूंकि ऐसी लापरवाही हो सकता है कि अभी लापरवाही ये हुई है, लेकिन भविष्य में कहीं और किसी और पंचायत में ना हो और इस प्रकार की लापरवाही कहीं अदर पंचायत में ये बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी हो वो ना करें, इसकी और इस वजह से ऐसी घटनाएँ द्वारा ना घटें, इसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब से आवेदन दिया है और उनसे ये आग्रह भी किया है।